निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले ने आमूल चूल परिवर्तन का ऐलान कर दिया है। यानी अब सरकार के हाथ में सारी चीजें नहीं रहेंगी। सरकार की ही पार्टी यानी सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय भी याचिकाकर्ताओं में से एक हैं और उन्होंने जो याचिका दायर की है उस पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला दिया है और उसमें कहा है कि अब निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक पैनल होगा, समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा में और साथ ही मुख्य न्यायाधीश भारत के तीनों होंगे। सुनवाई से ही ये रुख तो साफ हो गया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होगा। इस पर हम याचिकाकर्ता से जानते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा जजमेंट है। जो लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार उंगली उठाते थे, शायद आज उनका मुंह बंद हो गया है। अब जब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करने में जो कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली नहीं उठाएगी, ऐसा मैं आशा कर सकता हूं। अभी एक और जो लैंडमार्क इसमें जजमेंट है कि तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी दोनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों को इक्वल प्रोटेक्शन रहेगा, इक्वल सिक्योरिटी रहेगी। अब उनको हटाने का तरीका भी एक होगा। अभी क्या था कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना है तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, लेकिन बाकी दोनों इलेक्शन कमीशन को आप कभी भी सरकारी आदेश से हटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, तीनों की हटाने की प्रक्रिया एक हो गई है, तो दोनों इलेक्शन कमीशन जिनको की पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाया जा सकता है, मुझे लगता है ज्यादा वो ऑटोनॉमी के साथ, ज्यादा इंडिपेंडेंस के साथ, ज्यादा स्वायत्त होकर काम कर पाएंगे। तीसरा, हमने इसमें मांग किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट होना चाहिए। वो कह रहा था संजय जी कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट है जो रजिस्ट्री इंडिपेंडेंट है, लोकसभा के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट, इलेक्शन कमीशन जो इतना लैंडमार्क काम करता है, पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, उसके पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट नहीं था। अब होता क्या था कि कभी सरकारी जो सरकार से आदमी आते थे, कभी उसमें कृषि विभाग के कुछ लोग आ गए, कभी उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ लोग आ गए, कभी होम मिनिस्ट्री से कुछ लोग आ गए, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते थे, तीन साल, चार साल, पांच साल के लिए आते थे इलेक्शन कमीशन, फिर वापस चला जाते थे। तो जो एक्सपर्ट चाहिए वो एक्सपर्ट नहीं हो रहे थे। एक तो यह था कि वो ट्रांसफर पे आते थे, डेपुटेशन पे आते थे, फिर वो वापस चले जाते थे। अब क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट होगा, इलेक्शन कमीशन खुद ही इंटरव्यू करेगा, खुद ही अपना सिलेक्शन करेगा, और जो आदमी सिलेक्ट हो जाएगा वो रिटायरमेंट तक इलेक्शन कमीशन में रहेगा। तो बेनिफिट ये होगा कि उसमें एक्सपर्ट भी रहेंगे, ट्रांसफर का कोई खतरा भी नहीं रहेगा, तो वो भी तो उसमें एक पूल होगा, एक पूल होगा, एक पूल होगा। जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है इसमें कोई बाहर सरकार से आदमी नहीं आते, इसमें चाहे क्लर्क हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, सब कुछ यही सारे न्यायपालिका के आदमी है जो उस चीज को जानते हैं। तो वही काम वहां पे भी होगा। और पांचवा जो हमने कहा था कि बजट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बजट अभी क्या है कि इलेक्शन कमीशन को बार बार छोटे छोटे काम के लिए सरकार से पैसा मांगना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो हमने बार कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां समाज को तोड़ रही हैं, जाति का जहर घोल रही हैं, भाषा का जहर घोल रही हैं, क्षेत्र का जहर घोल रही हैं, शराब बंटवा रही हैं, पैसे बंटवा रही हैं, सब कुछ काम कर रही हैं, टिकट बेच रही हैं, अपराधियों को टिकट दे रही हैं, और इलेक्शन कमीशन चुपचाप देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो कम से कम जब तक पार्लियामेंट से कानून न बने तब तक इलेक्शन कमीशन के पास एक रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए, वो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का जहर घोल रोकने के लिए, अपराधीकरण रोकने के लिए उसके पास वो खुद अपनी तरफ से कुछ नियम कानून बनाए। तो इस याचिका से, इस फैसले से आपकी पार्टी सहज महसूस कर रही है या असहज महसूस कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारत के साथ काम करती है, भारत के हित में काम करती है, और मुझे इस बात का गर्व है कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी भी PIL नहीं फाइल करता, उसको डर रहता है कि हमारी सरकार बुरा मान जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां उसके कार्यकर्ता को इतनी लिबर्टी है कि वो अपनी सरकार में रहते हुए भी PIL फाइल करता है, जजमेंट आता है और पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। हालांकि सरकार ने पूरा जोर लगाया था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया को ही जारी रखा जाए और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रक्रिया बिल्कुल सही है, लेकिन अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल किए, फाइलें मंगवाई, सब कुछ किया। उसी समय आसार बन गए थे कि इस प्रक्रिया में बदलाव होगा और जस्टिस KM जोसेफ की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इसमें आमूल चूल बदलाव को अपनी मंजूरी दी है, यानी फैसला बहुत बड़ा है। और पहला बदलाव तब आया था जब 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग 2 सदस्यीय हुआ, फिर 3 सदस्यीय हुआ, और अब तो नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर भी बदलाव आ गए हैं। अश्विनी उपाध्याय BJP को जरूर बिलोंग करते हैं, BJP के नेता हैं, लेकिन सरकार के लिए स्थिति थोड़ी सी असहज जरूर होगी। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग PIL दाखिल कर सकते हैं, PIL तो दाखिल कर सकते हैं, लेकिन सरकार की
सोच को भी पलीता लगा सकते हैं। ऐसी चीजें कई बार कम होती है। ये अलग बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, इसका इंतजार है। लेकिन कहते हैं व्यक्ति नहीं विचार, सत्ता नहीं समाज बदलिए, व्यक्ति नहीं विचार बदलिए। तो ऐसे में सरकार के लिए अब ये व्यवस्था तो बदल गई है, जिसमें निर्वाचन आयुक्तों को की नियुक्ति और उनके हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग हो गई है और एक नई शुरुआत है। ये फैसला मील का पत्थर। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।